तो कुछ साउंड और सुना दूं, लास्ट बार जो रह गया था। गाड़ी यहाँ से हम ऑन करेंगे, ठीक है। ये हमारा मीटर इस तरीके से ऑन होगा, आप देख सकते हैं हम गाड़ी ऑन करने वाले हैं। ये हो गया हमारा मीटर ऑन और ये हो गया हमारी गाड़ी स्टार्ट ABS सिस्टम के साथ में। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका याद पंकज, आप देख रहे हैं यादव का चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे सामने खड़ी हुई है एवेंजर 160 स्ट्रीट ब्लैक कलर के साथ में। आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बताएं। ये अपना साइड लुक आ रहा है गाड़ी का, यहां से आप फ्रंट लुक देख सकते हैं गाड़ी का। काफ़ी अच्छा फ्रंट लुक दिया हुआ है पूरा का पूरा गाड़ी का। ये देखो इस तरीके से पूरा फ्रंट लुक आ जाएगा आपका। आगे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर, ठीक है। साइड प्रोफाइल आपको कुछ इस तरीके से लगेगी पूरी की पूरी गाड़ी के अंदर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम बैक प्रोफाइल पे। तो बैक प्रोफाइल आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी, जो गाड़ी के अंदर काफ़ी अच्छी हम और अमेजिंग बैक प्रोफाइल दी हुई है, क्योंकि 2023 की न्यूली लॉन्च है हमारे पास में गाड़ी अवेलेबल। और इस गाड़ी की जो प्राइस है वो हम आपको एंड में बता देंगे, फाइनेंसिंग भी बता देंगे किस तरीके से करनी है। तो गाइस फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सामने आपको LED कुछ इस तरीके से मिलेगी ल्यूमैक्स की, ठीक है। 5425 नंबर लिखा हुआ है। ये अपनी इस तरीके से मिलेगी पूरी गोल्ड शेड में ऊपर से, और नीचे आपको इस तरीके से मिलेगी। और इसके अंदर आपको हेलोजन बल्ब मिलता है। एक बार ट्राई करते हैं गाड़ी के कौन सा वाला बल्ब मिलता है। गाइज इसके अंदर आपको LED बल्ब मिलता है, सॉरी हेलोजन निकल गया गलती से। इसके अंदर आपको LED बल्ब मिल जाता है, जो अपर और डिपर दोनों ही चीज़ें आपको LED मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको दोनों इंडिकेटर मिल जाते हैं इस तरीके से, काफ़ी अच्छा लुक दिया हुआ है। आगे आपको फ्रंट में नीचे आओगे तो आपको डिस्क ब्रेक के साथ में मिलता है इस तरीके से। और आगे वाला टायर साइज इसका जो होने वाला है गाड़ी का, वो होने वाला है क्या नाम है 30-90-17 इंचज़ का आपको अगला वाला टायर मिल जाता है इस तरीके से। MRF का टायर लगा हुआ है गाड़ी के अंदर। अब आते हैं साइड में, यहाँ पर आपको हॉर्न मिल जाते हैं, 2 शॉकर मिल जाते हैं आगे आपको इस तरीके से, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। शॉकर की हम बता देंगे आपको एंड में क्या क्या चीज़ें। यहाँ पर आपको एवेंजर की ब्रांडिंग मिल जाती है इस तरीके से, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है टंकी के ऊपर। नीचे आओगे तो आपको बजाज DTSI पावर्ड इंजन मिल जाता है, 160 cc के अंदर ये इंजन रहता है। साइड में आओगे तो आपको यहाँ पर 160 cc और स्ट्रीट लिखा हुआ मिल जाएगा। ये अपना एडजस्ट मिल जाता है पूरा का पूरा इस तरीके से। और पीछे वाला अपना ड्रम ब्रेक है, ये ड्रम ब्रेक इस साइड से है। ये देखो ये है पूरा ड्रम ब्रेक सिस्टम इस तरीके से दिया हुआ है। बैक प्रोफाइल की बात करेंगे तो बैक प्रोफाइल पे आपको यहां पर बैक लाइट मिल जाती है और आपको दोनों इंडिकेटर मिल जाते हैं इस तरीके से। अब आते हैं इसके बैक वाले टायर साइज की। बैक वाला जो आपको टायर दिया हुआ है वो दिया है, इसके अंदर आपको बैक टायर जो मिलने वाला है वो 130-90-15 इंचज का मिल जाता है, लेकिन काफी मोटा टायर दिया हुआ है इस तरीके से। पूरा MRF का टायर ही मिलेगा आपको दोनों, ठीक है। और DTSI लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पर आके यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पर जितना भी वो दिया होना है ये पूरा का पूरा गियर डालने का सिस्टम दिया हुआ है। अपना पहला गियर जाएगा नीचे, बीच में आपका न्यूटन हो जाएगा, फिर 2, 3, 4, 5 गियर दिए हुए हैं इसके लिए आगे के लिए। ये अपना पूरा 160 cc का इंजन दिया हुआ है, बट 160 cc नहीं है, हम आपको बताएंगे अभी इस तरीके से। ये अपना सिंगल वो हो गया, साइड स्टैंड हो गया, और इस तरीके से इसका गियर पैटर्न है पूरा का पूरा गाड़ी का। ये रहा, यहाँ पर भी एवेंजर की ब्रांडिंग आ जाती है, ठीक। अभी चलते हैं इसके इंजन की बात कर लेते हैं गाइस, कि आपको इसमें कितने सीसी का इंजन मिलने वाला है। 160 सीसी का पूरा ही प्रॉपर इंजन दिया हुआ है इस गाड़ी के अंदर, जो कि आपकी मैक्स पावर निकालता है 14.79 BHP की, जो कि जाती है 8500 RPM, और मैक्स टॉर्क निकालेगा आपकी 13.7 NM, जो कि जाएगी 7000 RPM। 5 स्पीड गियर मिल जाते हैं, और माइलेज इस गाड़ी की 45 की मिल जाती है, काफ़ी अच्छी है। फ्रंट आपको डिस्क मिलेगा और रियर आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा। एलॉय व्हील मिल जाते हैं दोनों ही, काफ़ी ज़्यादा अच्छे एलॉय व्हील्स दिए हुए हैं दोनों के दोनों, ब्लैक कलर में दिए हुए हैं। और पूरी गाड़ी का जो वेट आने वाला है वो आपको 156 kg का वेट आने वाला है, ठीक है। ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे दोनों ही, ठीक है। अगर इसकी टॉप स्पीड की बात करी जाए तो 105 किलोमीटर तक आप इसे चला सकते हैं। 105 किलोमीटर ये काफ़ी 105 की स्पीड पकड़ लेती है इस तरीके से पूरी पूरी ये गाड़ी है। अब आते हैं भाई इसके हम टैंक की बात करें, तो टैंक जो ये है ये आपको 13 लीटर का टैंक मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सीट आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी, जो कि एक पर्सन यहाँ आराम से अपना ड्राइव कर सकता है। गाड़ी कुछ इस प्रकार से आपको 2 चाबियाँ मिलती हैं नॉर्मल तरीके से। यहाँ से आप गाड़ी को लॉक कर सकते हैं इस जगह से, और यहाँ से आप गाड़ी को ऑन ऑफ कर सकते हैं इस जगह से। तो हमने चाबी लगा दी है यहाँ पर, अब हम इसे ऑन करते हैं गाड़ी को। इस तरीके से गाड़ी आपकी ऑन हो जाएगी। और हमने अभी गाड़ी ड्राइव करी है, वो करी है 454 किलोमीटर, जब से आई है तब से हमने इतना ड्राइव किया है। सिंगल आपको ABS सिस्टम मिल जाता है इसके अंदर, आपका फ्रंट ब्रेक लगाओगे तो सेकंड लग जाएगा। यहाँ पर भी आपको एवेंजर की वो मिल जाती है ब्रांडिंग, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। आगे आपको डिस्क ब्रेक कुछ इस साइड इस तरीके से मिलेगा, ये पूरे पूरे लीवर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ऑन ऑफ के लिए बटन मिल जाएगा, और ये आपको लाइट के लिए बटन मिल जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर आपको सेल्फ स्टार्ट मिल जाता है। सेकंड में आएंगे तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, यहाँ से आप
अपर डिपर कर सकते हैं और ये पास के लिए रहता है इस तरीके से, लाइट जलेगी पूरी पूरी पास होने के बाद में, और ये अपना हॉर्न रहता है इस तरीके से। अगर हम इसकी साइड ग्लास की बात करें तो साइड ग्लास आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगे दोनों के दोनों, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिए हुए हैं। ये होगी पूरी प्रॉपर चीज़। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको इंजन का साइन आ जाता है, जब भी आप सर्विस कराओगे तब पूरा डिग्गी पे ही पूरा फिटिंग दी हुई है, मतलब इस पे क्या नाम है, पेट्रोल टैंक पे ही पूरी फिटिंग दी हुई है, और यहाँ पर आपको पेट्रोल के लिए साइन मिल जाता है पूरा पूरा गाड़ी का, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और अमेजिंग लगता है इस तरीके से पूरा पूरा वो है। और मीटर क्लस्टर की बात करी जाए तो छोटा सा नॉर्मल सा गोल में मीटर क्लस्टर दिया हुआ है पूरा का पूरा। यहाँ पर आपको बजाज का साइन मिल जाता है बीच में और 140 की स्पीड दिखा रहा है। यहाँ से अगर हम चेंज भी करेंगे तो नीचे आ रहा है देखो 445.5 किलोमीटर पूरा का पूरा। और चेंज करेंगे गाइस देखते हैं, वही आ रहा है। बस दो ही चीज़ें मिलेंगी आपको इसके अंदर चेंज करने के लिए, और तीसरी चीज़ नहीं है। ये है हमारी पूरी की पूरी गाड़ी। अब गाइस मैं है ना आपके सामने फ्रंट ब्रेक साइज़ की बात करता हूँ, तो आपको 280 mm का ब्रेक साइज अगला वाला मिल जाएगा और 130 mm का आपको पिछला वाला ब्रेक साइज़ मिल जाता है इस तरीके से। अगला डिस है और पिछला ड्रम ब्रेक मिल जाता है। अब गाड़ी की अगर मैं पूरा क्या नाम है सीट की बात करूं कि सीट की हाइट कितनी दी हुई है, तो आपको 737 mm की मिल जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और लुकिंग वाइज सीट लग रही है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अगर मैं गाड़ी की पूरी ओवरऑल लंबाई की बात करूं तो लंबाई आपको मिल जाती है 2210 mm की, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। उसके बाद में गाड़ी की अगर मैं चौड़ाई की बात करूँ, ये जो सामने वाली चौड़ाई है ये वाली, ये आपको 806 mm की मिल जाती है ये पूरी पूरी चौड़ाई गाड़ी की। और अगर लंबाई की बात करूं तो लंबाई आपको मिल जाती है गाड़ी के अंदर 1070 mm की। अब आते हैं व्हील बेस की, व्हील बेस कितना मिलता है। अगर मैं व्हील बेस की बात करूं इस तरीके से तो आपको 1490 mm का व्हील बेस मिल जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग और लुकिंग बनाता है गाड़ी को। ट्यूबलेस टायर के साथ में ये गाड़ी आती है। और इसके बाद में क्या क्या फीचर्स हैं गाड़ी के अंदर हम देखते लेते हैं। वैसे तो कोई ज़्यादा फीचर्स नहीं है इस गाड़ी के अंदर, बस ये चलाने में और चलने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी और अमेजिंग लगती है, इसलिए इसे सब लोग खरीदने के लिए उतावले हैं। और ये गाड़ी की जो प्राइस आने वाली है ऑन रोड वो है 1,37,606 रुपये इन ग्वालियर की प्राइस बता रहा हूँ मैं आपको, आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। स्पीडोमीटर पूरा इसका डिजिटल दिया हुआ है, ठीक इस तरीके से मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक। इसके बाद में और भी चीज़ें देख लेते हैं इस गाड़ी के बारे में, ठीक है। लो बैटरी इंडिकेटर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में क्लॉक दिया हुआ है गाड़ी के अंदर, ठीक है। मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी है, ऐप से कनेक्टिविटी है इसके अंदर, काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं, हैलोजन लाइट वगैरह ये सारी चीज़ें। अब आ जाते हैं इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। अगर आप इसको एक्सो रूम प्राइस पे जाओगे तो आपको 1,16,384 रुपये पड़ेगी। उसके बाद में 10,811 रुपये का आपका हो जाएगा RTO और इंश्योरेंस हो जाएगा आपका 10,411 रुपये का। ऑन रोड प्राइस इन ग्वालियर 1,37,606 रुपये। आपको ये गाड़ी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बताएं। एंड गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेट फॉर दिस गाइज न्यू वीडियो, बाय बाय। गाइज बाय बाय तो कर दिया वीडियो में, बट इसका एक बार आपको साउंड और सुना दूँ लास्ट बार जो रह गया था। गाड़ी यहाँ से हम ऑन करेंगे, ठीक है। ये हमारा मीटर इस तरीके से ऑन होगा, आप देख सकते हैं हम गाड़ी ऑन करने वाले हैं। ये हो गया हमारा मीटर ऑन और ये हो गया हमारी गाड़ी स्टार्ट ABS सिस्टम के साथ में।